मॉकटेल बनाई जिसमें पता नहीं क्या क्या था, लेमन और ऑरेंज जूस और सोडा और मिर्ची, क्योंकि हम मिर्ची के ऑफिस में है. बट बेसिकली हम इंस्पायर थे बाय मार्गरीटा, जो हमारा फिल्म का नाम है और जो एक कॉकटेल का नाम भी है. और हमारा जो कैरेक्टर है लाइला, जो मेन किरदार है, वो मार्गरीटास पीना बहुत अच्छा लगता है. मैं बहुत डर गई जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ा और अच्छी लगी स्क्रिप्ट को, क्योंकि उसके बाद मैंने सोचा मैं ये कैसे करूँगी. लेकिन हमने बहुत ट्रेनिंग किया, काफ़ी टाइम स्पेंड किया इसके साथ, और बहुत एक्चुअली मेरा डायरेक्टर का कज़न सिस्टर, उनके पास उनको सेरेब्रल पॉल्जी है जो मेरे कैरेक्टर को है, तो मैंने उनके साथ बहुत वक्त स्पेंड किया, उनके साथ बहुत रिसर्च किया. मेरे हिसाब से अगर कुछ बैन हो जाता है तो उसके और पावर आ जाता है, हमको और देखना चाहते हैं. जब बच्चे को बोलते हैं ये ना करो तो बच्चा वही करेगा, तो बैन करने से कोई आई डोंट थिंक कोई फ़ायदा नहीं है. हमारे पास एक रेटिंग सिस्टम होना चाहिए कि ये कौन से ऑडियंस के लिए है, ये बच्चे के लिए है या एडल्ट के लिए है, और बस उसके ऊपर होना चाहिए. एक्चुअली मैं प्रेशर नहीं फील करती हूँ, क्योंकि एक ये जो फिल्म सोनाली ने बनाई और निलेश ने मिराक्युलसली बहुत कम पैसे में एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई है, तो आई थिंक इतना बज है ऑलरेडी फिल्म के बारे में, इतना सपोर्ट है फ्रॉम आमिर खान एंड किरण और बाकी लोग भी जो इंडस्ट्री में है, बहुत क्यूरियस है, और हम स्क्रीनिंग शुरू करने वाले हैं, तो मैं काफ़ी मतलब एक्साइटेड हूँ. मैं ऐसे फील नहीं कर रही हूँ कि ये फिल्म flop ho jayega, bilkul nahi. Pressure is always put on a filmmaker or an actor that, you know, do you care about the box office and how will the box office do that. The thing is, we have made a film that we ourselves are in love with, and we feel we are from this country, and what we love, there are thousands of people in this country who are also going to love it, and that is my authentic honest truth. When I make a film or write or direct it, I don't think of the box office, I don't think of a single audience member also, I don't think that ये अमेरिका में चलेगा या इंडिया में कैसे बनाना चाहिए, इसको डालना चाहिए उसको डालना चाहिए, मैं ऐसे सोचती नहीं हूँ, ये गलत है. फिर आप ऑनेस्ट फिल्म नहीं बना पाओगे. आप अगर ये सोचोगे कि कैसे चलेगा, उसी में खत्म हो जाएगा. और आजकल आप अगर देखोगे हमारे ऑडियंसेस इतने आगे बढ़ गए हैं, वो ऐसा रिजेक्ट करते हैं. आप स्टार्स भी डालो, इसमें अगर स्टोरी ना हो ऑडियंसेस रिजेक्ट करें. तो हमें पूरी कॉन्फिडेंस है कि हमारे लिए ऑडियंस है इंडिया में. बॉक्स ऑफिस बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि थिएटर्स कितने दिन रखेंगे और क्या चल रही है वगैरह वगैरह, लेकिन इंडियन ऑडियंसेस में हमें 100% कॉन्फिडेंस है उनको पसंद आएगी.